भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि वे सदस्यता अभियान के समापन पर हिमाचल आए हैं। वे 2 माह से देश भर के विभिन्न हिस्सों के प्रवास पर थे। उन्होंने कहा कि देवभूमि और वीरभूमि हिमाचल में आकर वे खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि वे सदस्यता अभियान के समापन पर हिमाचल आए हैं। वे 2 माह से देश भर के विभिन्न हिस्सों में प्रवास कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देवभूमि और वीरभूमि हिमाचल में आकर वे खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में देश को बर्बाद करने का ही काम किया, यहाँ तक कि सैन्य साजो सामान के खरीद में भी गड़बड़ी की। मोदी और शाह की जोड़ी ने कश्मीर से 370 हटाई तो भी कांग्रेस परेशान है। पहले कांग्रेस ये बताए, जब कश्मीर का विलय हुआ तब 370 की शर्त नहीं थी तो बात में कहां से आई। जब कवायलियों को भारतीय सेना खदेड़ रही थी तो पूरा कश्मीर भारत के पास होता तो क्यों युद्ध विराम नेहरू ने करवाया। इतने वर्षों से 370 की आड़ में कुछ नेताओं ने अपने घर भरे और वहां भी आम जनता को दरकिनार कर दिया। कई वर्षों की लड़ाई को मोदी और शाह ने 48 घंटे में खत्म कर दिया। अब बात पीओके को लेकर होगी। सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी 370 पर जनता के बीच अपनी बात रख ही नहीं पाए हैं, जबकि कांग्रेस के कई नेता इसका स्वागत कर चुके हैं। 3 तलाक पर भी कमोवेश कुछ ऐसी ही स्थिति है। आज कांग्रेस बिखर रही है। बीजेपी सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि देश को जोड़ने का काम कर रही है और इसलिए ही सदस्यता अभियान शुरू किया गया है। समाज के हर वर्ग को हम जोड़ेंगे। जाति धर्म संप्रदाय के अलावा विभिन्न प्रोफेशनल को भी भाजपा के साथ जोड़ा जा रहा है। राष्ट्र निर्माण के मोदी के महाअभियान में हर भारतीय को जोड़ा जा रहा है। इसमें हिमाचल इकाई बेहतरीन काम कर रही है। आज शाम तक हिमाचल में 10 लाख नए सदस्य भाजपा के साथ जुड़ जाएंगे। शिवराज सिंह ने हिमाचल सरकार की कार्रवाई को भी खूब सराहा। नेहरू ने ही देश में टुकड़े बढ़ाए। कश्मीर, गोवा, पीओके सब ऐसे मसले थे जो कि पल में ठीक हो सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं किए, इसका जवाब कांग्रेस दे। कांग्रेस ने वंशवाद परिवारवाद को बढ़ावा दिया। नेहरू के बाद इंदिरा, उसके बाद राजीव, उसके बाद सोनिया, फिर राहुल और फिर अब प्रियंका। सब कुछ एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूम रहा है। लोकसभा चुनाव में हार मिली तो राहुल खुद इस्तीफा देकर भाग गए। नया अध्यक्ष बनने की बारी आई तो फिर से सोनिया को अध्यक्ष बना दिया गया। उन्होंने कहा कि कश्मीरी लड़कियां हमारी बेटियां हैं और पूरे देश की बेटियां हैं। उन्हें भी इज्जत और मान सम्मान उसी तरह मिलेगा जिस तरह देश की अन्य बेटियों को मिलता है। इस धारा 370 के कारण एक तरफ जहां आतंकवाद बढ़ा था, दूसरी तरफ 2-3 परिवारों ने केवल अपने घर भरने के काम किए थे, राजनीतिक परिवारों ने। अब कश्मीर का तेज गति से विकास होगा और हम सब जानते हैं अब मुद्दा कश्मीर नहीं है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो भारत का अभिन्न अंग है और हमारी मातृभूमि का एक इंच जमीन भी हमारी दूसरे के कब्जे में रहे ये हम सहन नहीं करते। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आज मुद्दा है। दृढ़ता के साथ कई महत्वपूर्ण फैसले मोदी सरकार ने किए हैं। 3 तलाक जैसे कलंक को समाप्त कराने के लिए कानून बना दिया गया है, लेकिन कांग्रेस के मित्रों से हम पूछना चाहते हैं, वो 3 तलाक हटाने का भी विरोध कर रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि धारा 370 जैसे मुद्दे पर कांग्रेस की अधिकृत कोई दृष्टिकोण ही नहीं है। पी चिदम्बरम साहब, अधीर रंजन चौधरी जी धारा 370 हटाने का विरोध करते हैं, लेकिन उनके अनेकों नेता जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, दीपेंद्र हुड्डा, अनेकों लोग शामिल हैं। अब तो हुड्डा साहब ने भी हरियाणा में कह दिया धारा 370 हटाने में हम केंद्र सरकार के साथ, लेकिन मैडम आज तक कुछ नहीं बोली, राहुल जी कुछ नहीं बोले, प्रियंका जी कुछ नहीं बोली। इतने बड़े मुद्दे पर धुलमुल राय रखने वाली कांग्रेस, जिसमें पहले कभी हिम्मत ही नहीं थी धारा 370 से हाथ लगाने की, आज अपने दृष्टिकोण को जनता के सामने नहीं रख पा रही है। वो कुशल संगठक और योग्य प्रशासक तो है ही, विजनरी लीडर है, लेकिन उसके साथ साथ सोशल रिफॉर्मर भी है। उसने कई अभियान हमने चलाए,
सदस्यता अभियान को भी हमने जोड़ा सामाजिक सरोकार से, इसलिए वृक्षारोपण का काम सदस्यता अभियान के साथ साथ हम करते हैं। अभी लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया पॉपुलेशन कंट्रोल का, प्लास्टिक फ्री भारत का, पानी बचाने का, इन सारे अभियानों में जनता जुड़े, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सदस्यता अभियान को बहुत व्यापक बनाया है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश की हमारी इकाई ने बहुत व्यवस्थित सदस्यता अभियान चलाया है। इनने पहले सोचा था 5 लाख सदस्य बनाने का, लेकिन टारगेट बढ़ा के हमने किया 10 लाख। और मुझे बताते हुए खुशी है कि 9,34,849 सदस्य भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की आज तक बना चुकी है नए सदस्य। पुराने तो अलग है, पुरानी जो हमारी सदस्यता थी वो 13,78,000 थी, उसके अतिरिक्त ये नए सदस्य बनाए, क्योंकि पुरानों का कार्यकाल अभी समाप्त नहीं हुआ है, ये नए मेंबर बनाए। और मेरा विश्वास है कि आज रात तक ये 10 लाख का आंकड़ा पूरा कर लेंगे। मैं हिमाचल की इकाई को इतने अच्छे सदस्यता अभियान के लिए बधाई देता हूँ, उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना मतलब देश से जोड़ने का अभियान। मैं यहाँ की सरकार को भी बधाई देना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कई नए इनिशिएटिव लिए हैं। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता भी है कि केंद्र सरकार ने पिछले 5 सालों में 14 से लेकर अगर 19 का कार्यकाल देखा जाए तो 72,000 करोड़ रुपए की राशि हिमाचल के विकास के अलग अलग प्रोजेक्ट्स को और अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत दी है। भक्तों चलो छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।